वर्ल्ड कप में अगर आप देखिए, भारत का मुकाबला 4 तारीख से शुरू हो जाएगा, लेकिन वहां पर अगर टीम इंडिया कब रवाना होगी उसको लेकर मैं आपको अपडेट बता दें, भारतीय टीम 2 हिस्सों में वर्ल्ड कप के लिए रवाना होगी। जो पहला हिस्सा ये है कि 24 मई को आईपीएल के प्लेऑफ में जो टीमें नहीं पहुंच रही वो खिलाड़ी 24 मई को रवाना हो जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है 26 मई को, यानी कि आईपीएल के फाइनल जैसे ही खत्म होता है उसके बाद जो दूसरा ग्रुप है वो रवाना हो जाएगा। यानी कि अगर आप देखें जो हमारे मेन खिलाड़ी हैं, चाहे वो कप्तान रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, इसके अलावा अगर आप देखें सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, क्योंकि मुंबई तो कहीं नहीं जा रही, पहली टीम है बाहर होने वाली, तो ये सभी 24 तारीख को रवाना हो जाएंगे। संजू सैमसन हो गए क्योंकि अभी उनकी टीम बेहतर है, प्लेऑफ में जा रही है और ऐसा लग रहा है कि फाइनल भी खेल सकती है, तो वो खिलाड़ी 26 तारीख के बाद रवाना होंगे। यानी कि उस बैच में अगर आप देखिए, अभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए यहाँ से आरसीबी कुछ करिश्मा कर जाती है, टॉप 4 में पहुंच जाती है, तो वो भी अलग से रवाना होंगे, वरना विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सभी एक साथ ही रवाना होंगे 24 तारीख को T20 वर्ल्ड कप के लिए। और यहाँ पर अगर आप देखें भारतीय टीम के जो हम शेड्यूल की बात करें, 5 जून को भारत का पहला मुकाबला है आयरलैंड के साथ, भारत पहला मुकाबला खेलेगा। 9 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा। वहीं 12 जून को फिर भारत का US के साथ मुकाबला, फिर 15 जून को भारत और कनाडा के साथ मुकाबला खेला जाएगा। पाकिस्तान ये ग्रुप अगर आप देखेंगे, भारत की कड़ी टक्कर जो है वो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के साथ होगी, लेकिन अब तो लग रहा है कि शायद आयरलैंड की टीम ज़्यादा कड़ी टक्कर देगी। कल ही मुकाबला हुआ पाकिस्तान और आयरलैंड के बीच में और पाकिस्तान को आयरलैंड की टीम ने हरा दिया। और ये पाकिस्तान की जो टीम थी, इनकी मेन वर्ल्ड कप वाली टीम, जैसा नहीं था कि इसमें बाबर नहीं थे, रिजवान नहीं थे, शाहीन शाह नहीं थे, नसीम शाह नहीं थे, अब्बास अफरीदी थे, इमाद थे, शदाब थे, सारे वो खिलाड़ी थे जो इनके वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा है। वो टीम यहाँ पर आयरलैंड से मुकाबला हार जाती है और इसके साथ ही सवाल फिर से उठना शुरू हो जाते हैं, भाई पाकिस्तान की टीम ने तो ट्रेनिंग ऐसी ली थी, लग रहा था कि ये जंग लड़ने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए ट्रेनिंग ऐसी उन्होंने ली और यहाँ पर वो आयरलैंड से मुकाबला हार गए। उनको और ज़्यादा यहाँ पर ट्रोल का सामना करना पड़ रहा है सोशल मीडिया पर। अगर आप देखें तो पाकिस्तान की टीम का वैसे मजाक तो हमेशा उठता रहता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए फिर से यहाँ पर ये आयरलैंड से मुकाबला हारने के बाद यहाँ पर फिर से उनका मजाक बन रहा है। बाकी मैं चाहूँगा कि आप जितने लोग जुड़े हैं आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें।